गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वसंत भाग एक के पाठ चार चांद से थोड़ी सी गप्पे, जिसके रचयिता है शमशेर बहादुर सिंह जी। तो शमशेर बहादुर सिंह जी ने अपनी कविता चांद से थोड़ी सी गप्पों के बारे में क्या बताया है, ये गप्पे यानी बातचीत करना, गप्पे यानी बातचीत करना, और चांद से थोड़ी सी गप्पे यानी चांद से बातें करना है। अब यहाँ पे बातें कौन कर रहा है? एक छोटी सी बच्ची जो 10 से 11 बरस की है, 10 से 11 साल की वो बच्ची चांद से क्या कह रही है, क्या पूछ रही है। जब वो चांद को देखती है तो उसके दिमाग में काफी सवाल उठते हैं, और वो सवाल क्या है वो ये बताना चाह रही है। तो आइए पढ़ते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि गोल है खूब मगर वो बच्ची चांद को बड़े निहारती है, बड़े ध्यान से देखती है एकटक लगाते हुए, और क्या बोलती है कि आप तो गोल है, पूरी तरह से गोल है, मगर फिर भी आप थोड़ी तिरछे नजर आ रहे हैं। आप गोल हैं लेकिन आप फिर भी थोड़ी तिरछे नजर आ रहे हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, और आपने जो अपने वस्त्र पहने हैं, कपड़े पहने हैं, पूरा आकाश तारों जड़ा, यानी कि जो आकाश है इसमें जो तारे जो जड़े हुए हैं, जो टिमटिमा रहे हैं, वो आपके वस्त्र हैं। चंद्रमा आकाश में जब निकलता है तो उसे चारों ओर हर जगह तारे ही तारे टिमटिमाते रहते हैं। तो लड़की क्या कहती है कि आप गोल हैं मगर फिर भी थोड़े तिरछे नजर आ रहे हैं, है ना, और आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, आपने तारों से जड़ा हुआ जो जगमगा रहा है आपने वो कपड़े पहने हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, और आपका जो शरीर है वो पता नहीं लेकिन आपका जो चेहरा है गोल सा सफेद सा गोरा गोरा चिट्टा गोल मटोल, केवल आपका चेहरा ही दिखाई पड़ता है, यानी पूरे आकाश में आपका चेहरा ही दिखाई पड़ता है। कैसा है वो? गोल गोल है, गोरा चिट्टा सफेद सफेद है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए है चारों सिमत यानी दिशाएं, सिमत यानी दिशाएं, कुछ आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है गोकी गोकी जबकि गोकी जबकि, आप अपनी पोशाक को चारों सिमत यानी चारों दिशाओं में फैलाए हैं, क्योंकि जब हमारी नजर जाती है जहां जहां हम देखते हैं हमको पूरा आसमान दिखाई पड़ता है दूर दूर तक, और उसमें तारे ही तारे टिमटिमाते हुए रहते हैं, तारे ही तारे टिमटिमाते हैं, चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, और आप कुछ तिरछे भी नजर आते हैं, पता नहीं कैसे आप गोल हैं लेकिन कुछ तिरछे भी हो जाते हैं, पता नहीं कैसे हो जाता है। खूब है गोकी जबकि, ये तो खूब है गोकी जबकि, ये तो खूब है। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आपको बीमारी है, लड़की क्या कहती है कि अरे चंदा मामा आप हमें मूर्ख समझते हो, हम बुद्धू है बेवकूफ है। नहीं, हम बुद्धू बेवकूफ मूर्ख नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है आपको एक बीमारी है। क्या है आपको? एक बीमारी है। कैसी बीमारी? कि जब आप फूलते हो तो फूलते ही चले जाते हो, बड़े होते जाते हो और पूरा का पूरा गोल हो जाते हो,
और जब घटते हो तो घटते ही चले जाते हो, और इतने घटते जाते हो, इतने पतले हो जाते हो, और अंत में क्या होता है, आप तो गायब ही हो जाते हो। क्या हो जाते हो? गायब ही हो जाते हो। तो हम मूर्ख नहीं हैं, हमें पता है आपको बीमारी है, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाए। और आप जब आप बढ़ते हो तो आप दम ही नहीं लेते कि आप गोल जब तक ना हो जाए। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। मर्ज यानी बीमारी। कैसी बीमारी, कैसा मर्ज है ये, जो कि बढ़ता ही जा रहा है, आए दिन दिखाई देता है और वो ठीक ही नहीं होता। तो यहाँ पे जो बच्ची है, वो छोटी बच्ची, उसको ये नहीं पता कि चंद्रमा हर 15-15 दिन में अपने स्वरूप को बदलते हैं, है ना। जब वो पूरे तरीके से घट कर समाप्त हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, तो वो अमावस्या होती है, और जब वो धीरे 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 बढ़ते जाते हैं तो वह पूर्णिमा कहलाती है। जब फुल मून होता है, पूरा चांद होता है, तो पूर्णिमा कहलाता है, और जब चंद्रमा घट जाता है और वह समाप्त हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, तो वह अमावस्या कहलाता है। और वो छोटी बच्ची, उसे इसका ज्ञान नहीं है, तो सिर्फ वो चंद्रमा की ओर टकटकी लगाई देखती है और कहती है, भाई क्या बात है, आपका केवल गोरा गोरा चिट्टा चिट्टा गोल मटोल मुंह नजर आ रहा है, मगर आप फिर भी थोड़े तिरछे होते जा रहे हैं, और आप आकाश जिसमें पूरे तारे ही तारे जड़े हुए हैं उसके वस्त्र पहने हुए हैं, आपका बाकी कुछ दिखाई नहीं देता, आपका सिर्फ चेहरा ही दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? हमें पता है कि ऐसा क्यों होता है, ये कोई जादू नहीं है, तो क्या है, आपको एक बीमारी है। हमें पता है कि आपको एक बीमारी है, जब आप घटते हो तो घटते ही चले जाते हो, आप खत्म हो जाते हो, अदृश्य हो जाते हो, और जब आप बढ़ते हो तो बढ़ते 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 आप पूरा का पूरा गोल हो जाते हो। लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि चंदा मामा, आपका ये मर्ज, आपकी ये बीमारी कब खत्म होगी। तो इस तरीके के भाव लड़की के मन में उठते हैं, जिसे शमशेर बहादुर सिंह जी ने अपनी कविता में रचा है। वो लड़की चांद से थोड़ी सी गप्पे यानी थोड़ी बातें करती है और अपने मन के भाव को प्रकट करती है। आशा है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसके वर्ड मीनिंग, जो इसके शब्दार्थ हैं, उसे आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से लिखेंगे, और जो भी डाउट होगा आप उसे पूछेंगे। धन्यवाद।